साथियों, टाइगर जयराम महतो की पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। और इस बार कोई झटका छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा झटका लगा है। टाइगर जयराम महतो की पार्टी एक ऐसी पार्टी बनकर उभर के आई थी जो लग रहा था कि झारखंड में वाकई में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगी और शायद लाने में कुछ हद तक कामयाब भी हो जाएगी। और इसी कामयाबी के पीछे अल्पसंख्यक वोट का भी हाथ माना जा रहा था। और इसी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले रिजवान क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो के खासम खास में से एक थे। लेकिन ठीक नॉमिनेशन ख़त्म होने के बाद जो है टाइगर जयराम महतो की पार्टी के रिजवान क्रांतिकारी जो है JMM का हाथ थाम लिया। जी हाँ, टाइगर जयराम महतो अपनी सभाओं में बार बार कहते थे मुस्लिम समुदाय के वोटों को हासिल करने के लिए कि उन्होंने जो है मुस्लिम समुदाय से कई बड़े बड़े नेताओं को खड़ा करके रख दिया, जबकि कई अन्य पार्टियां सिर्फ उनका वोट लेती है लेकिन उनको हक और अधिकार नहीं देती, उनको चुनाव में टिकट नहीं देती। लेकिन JLKM ने कई मुस्लिम उम्मीदवारों को जो है इस बार टिकट दिया। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि किस तरह से रिजवान क्रांतिकारी, जिन्हें एक जो है बहुत बड़ा हॉट सीट दिया गया था, सीधे एकदम मुख्यमंत्री जी की पत्नी जिस सीट से लड़ रही है गांडे विधानसभा से, कल्पना सोरेन, उस सीट से उन्हें सीधे रानी से भिड़ने के लिए कह दिया गया। और वो खुले मंच में कहते थे कि इस बार रानी को हराना है। लेकिन ये क्या हो गया, ये तो रानी के ही पार्टी में जा कर के घुल मिल गए, राजा से जो है JMM का चोला पहनकर JLKM का दामन को छोड़ दिए। जिसमें वो इतने बड़े नेता बनकर उभरे तो टाइगर जयराम महतो की इसी पार्टी के बदौलत, लेकिन आज उसी पार्टी को छोड़ करके वो जो है JMM में शामिल हो गए, जबकि उसी पार्टी को बार बार अपने मंचों से कहते थे कि किस तरह से उस पार्टी ने जनता को ठगा। लेकिन ये राजनीति है भैया, राजनीति में जिसको गाली देते हैं उसी थाली में जा कर के फिर मक्खन और मलाई खाने लगते हैं लोग। तो खैर, ये तो छोटी मोटी बातें होती रहती है राजनीति में। जो भी हो, आशा करते हैं कि झारखंड में नया बदलाव आए, झारखंड में जो है एक ऐसी सरकार आए जो भ्रष्टाचार को दूर करे, यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार दे, यहाँ के मूल निवासियों को, झारखंडियों को उनका हक और अधिकार मिले। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।